हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो भारत फोर्ज के द्वारा एक लाइट वेट मोबाइल गन सिस्टम को बनाया गया है जिसे गरुणा 105 के नाम से जाना जाता है। तो ये एक 105 मिलीमीटर की गन है जिसे एक छोटे ट्रक में माउंट किया जा सकता है। जनरली जो 105 मिलीमीटर की कैनन होती हैं वो करीबन 3200 किलोग्राम की होती हैं। इसका जो वजन है वो खाली 900 किलोग्राम का है। तो इसे एक हैवी ड्यूटी पिकअप ट्रक पे माउंट किया जा सकता है। इसके वजन कम होने के पीछे जो सबसे बड़ा कारण है वो इसके हाइब्रिड रिकॉइल सिस्टम का है। साथ में इसका रिकॉइल इतना कम होता है कि जो व्हीकल है, जो पिकअप ट्रक जैसे छोटे व्हीकल्स हैं, वो इसका रिकॉइल जो है वो झेल सकते हैं। तो ये बेसिकली 120 मिलीमीटर की मोर्टार हो गई, 105 मिलीमीटर की जो डिफरेंट आर्टिलरीज हो गई, उनको ये रिप्लेस कर सकते हैं क्योंकि ये एक कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशन है उनके कंपैरिजन में। तो ये मॉड्यूलर डिज़ाइन के हैं, लाइट वेट तो है ही, व्हीकल के साथ जो वजन है वो करीबन 5.5 टन के आसपास का बैठता है। साथ में जो व्हीकल है वो हैवी ड्यूटी है तो किसी भी टेरेन में इनको ले जाया जा सकता है। हायर एल्टीट्यूड में कोई अलग से कैरी करने की ज़रूरत नहीं है। साथ में जो डिप्लॉयमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा रैपिड होता है। साथ में जो गन है वो भी पूरा 360 डिग्री कवर करती है। तो ये काफ़ी अच्छा सॉल्यूशन नज़र आता है। गन के कैलिबर की बात करें तो ये 105 मिलीमीटर 37 कैलिबर की है। बाकी फायर रेट की बात करें तो इसका जो फायर रेट है वो 4 राउंड्स पर मिनट का है। तो आर्टिलरीज के साथ जो सबसे बड़ा इशू होता है वो ये होता है कि इनकी पोजीशन अगर पता लग जाए तो ये खतरे में आ जाती हैं। इन पर अटैक हो सकता है क्योंकि आप इनको बार बार हटा या लगा नहीं सकते। व्हीकल पे माउंट होने का फ़ायदा ये है कि आप इसकी पोजीशन बहुत जल्दी चेंज कर सकते हैं। तो फायर कर करके, पोजीशन चेंज करके आप एनिमी को कंफ्यूज कर सकते हैं। तो इसके प्रमोशनल वीडियो में ये बात कही गई कि इसको करीबन 17,000 फीट की ऊंचाई तक टेस्ट किया गया है। तो ये एक्चुअली बेस्ड है मेंडोस ग्रुप की हॉकाई गन पे जिसको हम्वी पर माउंट किया जाता है। तो अगर इस वेपन सिस्टम की हम एप्लीकेशन को देखें तो आर्मी में अच्छी खासी नज़र आती है, स्पेशली लद्दाख जैसे टेरेन में जहाँ पर इनको काफ़ी जल्द ही डिप्लॉय किया जा सकता है और ये काफ़ी इफेक्टिव जो है वो निकल कर सामने आएंगी। बाकी अगर इनकी प्रोग्रेस पर कोई रिपोर्ट आती है तो आपको ज़रूर सूचित कर दिया जाएगा। बाकी एक जो अच्छी रिपोर्ट निकल कर सामने आ रही है वो ये है कि OFP को डिसॉल्व कर दिया गया है, जो उनके एसेट्स हैं और एम्प्लॉइज़ हैं उनको ट्रांसफ़र कर दिया गया है और 1 अक्टूबर से ये इफेक्ट में आ जाएगा। तो इनको 7 डिफेंस PSU में डिवाइड किया गया है जिनके नाम है म्यूनेशन इंडिया लिमिटेड, आर्मर्ड व्हीकल निगम लिमिटेड, एडवांस्ड वेपन एंड इक्विपमेंट इंडिया लिमिटेड, ट्रूप कंफर्ट्स लिमिटेड, यंत्र इंडिया लिमिटेड, इंडिया ऑप्टल लिमिटेड और फाइनली ग्लाइडर्स इंडिया लिमिटेड। तो जो 41 ऑर्डनेंस फैक्ट्रीज थी उनको डिवाइड किया जाएगा इन 7 DPSU यानी कि डिफेंस PSUs में। साथ में निर्देश ये भी दिए गए हैं कि जितने भी DPSUs होंगे उनको रूल्स और रेगुलेशन बनाने पड़ेंगे अपनी सर्विस कंडीशनिंग के हिसाब से। साथ में ये क्लियर निर्देश हैं कि जो भी सर्विस कंडीशन होगी वो पहले से इन्फीरियर नहीं होगी। इसके अंतर्गत एक कमेटी का भी गठन होगा जिसको डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन के द्वारा किया जाएगा, जो कि इन नए DPSUs को गाइड करेंगे। तो काफ़ी जल्द ही OFP को ब्रेक करके 7 DPSU में डिवाइड कर लिया गया है और अब आगे देखने वाली बात होगी कि इनकी परफॉर्मेंस कितनी इम्प्रूव होगी। इन 7 DPSU में डिवाइड होने के बाद इसका जो फ़ायदा है वो ये होगा कि जिन सेक्टर में इम्प्रूवमेंट चाहिए वो क्लियरली नज़र आएंगे और जो बेटर परफॉर्मिंग सेक्टर हैं वो खराब परफॉर्मिंग सेक्टर की वजह से छुपेंगे नहीं। तो अब जो हमें यहाँ पर देखना है वो ये देखना है कि इनकी जो प्रोडक्शन क्वालिटी है वो कितनी इम्प्रूव होती है। तो इन दोनों अपडेट से जो हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं वो ये निकाल सकते हैं कि हमारी जो गवर्नमेंट है वो प्राइवेट सेक्टर को तो बढ़ावा दे ही रही है जिसकी वजह से वो नए प्रोडक्ट्स के साथ आ रहे हैं, साथ में जो गवर्नमेंट कंपनीज हैं उनको भी एफिशिएंट बनाने की कोशिश कर रही है, जिसके अंतर्गत OFP को डिवाइड किया गया जो कि ज़रूरत पड़ने पर स्ट्राइक पे चले जाते थे। तो कम से कम ये जो गुटबाजी है इस पर लगाम कसेगी और जो प्रोफेशनलिज्म है वो ज़्यादा बढ़ेगा। साथ में जो एम्प्लॉयज़ हैं उनकी सैलरी से लेकर पोजीशन तक उसमें कोई बदलाव नहीं आए हैं, तो उनका कोई नुकसान यहाँ पर नहीं है। इसी बात पर इन अपडेट्स को ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।